जय सहकारी, जय सहकारी, जय। यह है 2400 वार्षिक साधारण सभा के अध्यक्ष जीव तथा प्रमुख अतिथि जीव तथा विशिष्ट अतिथि जीव और अतिथि जीव लगायत संपूर्ण शेयर धनी और 1400 लंबन सहकारी संस्था से आये संपूर्ण व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष महोदय रोहिणीवा प्रहरी चौकी से आयल हमन के सर लोग लगायत मीडिया भाई लोग हम अपने व्यक्तिगत तथा श्री कृष्ण स्वावलंबन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के तरफ से आप लोगों के हार्दिक स्वागत करत अपन दुई शब्द ही खत्म कर थी। जय स्वावलंबन। जयंतिकाली मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते। के बाद आज जो साधारण सभा यही संस्था के प्रांगण में जो हो जात बा वो हमें आप लोग अपन अमूल्य समय निकाल के जो आवल गए एक लिए हम अपने तरफ से अपने संस्था के यह संस्था सम्मा पुकावे करती आप संपूर्ण से यह सदस्य सबके हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय परिवेश में एक हिस्सा बनाई के हमार सहकारी अग्रगति से गतिशील बनल बा। हम सबके कर्तव्य हो कि आगामी दिन में संपूर्ण शेयर सदर सक्रिय होके सहयोग तथा आशा और विश्वास के साथ कायम रखल जाए। आर्थिक वर्ष 79-80 में यह संस्था ले काम कैले बा। संपूर्ण बचत कार्यक्रम में निरंतरता दिहल जाए। शेयर पूंजी 45,34,900 से वृद्धि करके 50,71,800 पुरौले बा। बचत 3,12,70,941 से वृद्धि करके 3,66,306 सम्मा पुगौले बा। आर्थिक बार जोखिम कर्जा के भी व्यवस्था कैले बा। जोखिम कर्जा में 3,02,305 रुपया छुटियावल गई बा। आर्थिक वर्ष 79-80 में ऋण लगानी 1,52,25,000 भइल बा। जौन में ऋण वसूली भइल बा 1,51,21,778 रुपया सेवा पुरौले बा। आर्थिक वर्ष 79-80 में यह संस्था शुद्ध बचत 2,09,16.80 रुपया अर्जित कैले बा। संचालक समिति लेखा सुपर्यवेक्षक समिति बैठक नियमित तथा आवश्यकता अनुसार अनिवार्य रूप से बसल बा। सहकारी आयन नियम के तहत इस संस्था व्यवस्थापन कैले बा।
मृतक राहत में आवाज सदस्य के मृत्यु पश्चात 25,000 रुपया के दर से उपलब्ध करवाले गए दुई जन के सहकारी तथा जिला सहकारी स्तरीय मछवार संगठन के 14 सहकारी के अंतर क्रिया के सुझाव सलाह नियम में सहभागी भइल बे संस्था के प्रतिनिधि कइल बे सहकारी आयन नियमानुसार समय में लेखा परीक्षण कई के साधारण सभा संपन्न करत बे 2079-10-15 के साधारण सभा राखे के लक्ष्य अनुसार वार्षिक साधारण सभा में सम्मान तथा पुरस्कृत करे के व्यवस्था कई गई बे शीत भंडार निर्माण कार्य के निरंतर देवे करती हमरे लोग पहल जारी कैले बाटी रेमिटा प्रभु आईएमई वेस्टर्न यूनियन सिटी एक्सप्रेस सेवा संचालन भइल बा मिति 79-10-15 गते के साधारण सभा के निर्णय अनुसार संस्था के नाम में एक कट्ठा दू धूर जग्गा भी खरीद कर गई हुए जग्गा खरीदने के कारण रहा कि सरकार के प्रावधान के अनुसार ये हमारे जो भवन बनल हुए ये 8 नंबर में भवन बनाए के संचालन करे के अधिकार ना हुए यही के वजह से हमारे लोग जो जमीन खरीद गए एक संपत्ति कायम कर गए वो का उनके के संस्था के जवाब हुए ये कहा हम आप लोगों से विदा लेते हैं जय स्वावलंबन जय सहकार सोली कारोबार करने स्थापित एक सहकारी संस्था हुई ऋण में प्राप्त ब्याज नगद प्राप्ति को आधार में आमदनी बाधे को था ए भाई पहले उल्टा गया संस्था के मिति 2079-10-15 के साधारण सभा को निर्णय तथा समरी माई गापा को चलानी नंबर 626 मिति 2080-8-25 के स्वीकृति र संस्था के चलानी नंबर 49 मिति 2080-9-4 के नियुक्ति पत्र अनुसार श्री कृष्ण स्वावलंबन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समरी माई गापा 4 रूपन देही को यशस साथ संलग्न 2080 साल अषाढ़ मसान सम्मा के वसलात सोही मिति में समाप्त भय को आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्यय विवरण र संस्था बाट उपलब्ध खाता पता पत्र तथा लेखा संग संबंधित अन्य कागजात को आधार में लेखा परीक्षण संपन्न भय को था वित्तीय विवरण हरु प्रति को उत्तरदायित्व व्यवस्थापन मा रहे को रहे उक्त विवरण को आधार में अपने मंतव्य दिनु मेरो जिम्मेवारी रहन्छ नेपाल लेखा परीक्षण मान तथा लेखा परीक्षण संग संबंधित अन्य प्रचलित र सहकारी नियम समेतलाई आधार ली लेखा परीक्षण गरिएको छ लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न लागि आवश्यक कागजात सूचना एवं स्पष्टीकरणहरू समयमा उपलब्ध भएका छन् संस्थाको खाता र वित्तीय विवरणको भिडान भएको छ संस्थाको लेखा सहकारी लेखा प्रणाली अनुसार राखेको पाइयो संलग्न आमदनी खर्चको विवरण र संस्थाको खाता पत्र मिलेको छ भने कुनै पनि चलाचल सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा बेहिसाब भए गरेको लेखा परीक्षणबाट देखिँदैन 987 जोखिम कोष दर्ता गर्दा जम्मा जोखिम कोष 3,02,305 रुपियाँ भएको पाइयो भने गत अनुसार छुट्याएको डुबन्त को ऋण कोष रु 2,37,590 रुपियाँ 2 पैसा रहेको छ अचल सम्पत्ति में निम्न अनुसार हरास कट्टी गरिएको छ कट्टा गरिराखेको कर रकम संबंधित निकाय में जमा गर्नुपर्ने देखिन्छ 2080 असार मसान्त नगद मौद्रात रु 4,53,991 रुपया 48 पैसा तथा बैंक मैदान रकम 52,25,618 रुपया 79 रहेको छ नगद व्यवस्थापक को जिम्मा पाइने छ मिति 2079-10-15 मा 23 वार्षिक साधारण सम्पन्न भएको र सभा हालले 4,62,040 रुपियाँ नाफा गर्ने लक्ष्य सहितको कार्यक्रम बजेट पारित गरिएको
पाइयो। विगत लेखा परीक्षण में लेखा परीक्षक बाटा औल्याय को टिप्पणी तथा सुझाव और कार्यान्वयन गर्नु गराउने हुने सुझाव छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को कारोबार आय व्यय विवरण अनुसार संस्थाले व्यापारिक बचत रु 2,38,792 र शुद्ध बचत नापात 2,09,016.80 आर्जन गरेको छ। आर्थिक बचतलाई विनियम अनुसार विभिन्न कोषमा राखिएको छ। अब आमदनी तरफ चल जाए। सामान बिक्री भेल बा 45,77,205 रुपया, जम्मा 38,792 रुपया का अनुसार आमदनी। बहुत खुशी के बात हो हमन के लिए कि इस संस्था 3 करोड़ से ज्यादा हमन के चलता, लेकिन शुद्ध नाफा 3,04,000 भइल बा। इसीलिए एकरे ऐसे करती बहुत बहुत बने इस संस्था के चलाए वालन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जौन भी चलाता हमें जैसे ऋण लगानी 50,000 तक बा, तो 50,000 से एक एक कुछ और वृद्धि कैल जा कि आदमी का आवश्यकता पड़ने पर कि कम से कम 70,000-80,000 रुपया भी उपलब्ध हो जा बिना कोनो कर्जा के बिना कोनो धितो के। और जौन ब्याज दर बा ओके आप लोग जौन बैठल जाला एक महीना में साधारण सौथी कहके आप लोग मीटिंग कैल जाला ओकरे विषय भी कुछ आप लोग मंथन कैल जा कि हम 10-12 लोग बैठल जाला, खाली निर्णय ये कहके 72 दिन बैठल जाला कि और कुछ निष्कर्ष निकालल जाला आप लोग कि बैठ के खाली हम गैली ऐली चल गई ओकरे बाद कोनो मतलब है नहीं भाई। का योजना लावल गई, कौन प्रोग्राम लावल गई, कौन से कितना फंड आप सबके लावे एक बार ओकरे विषय में आज तक चाहे संचालक महोदय हो चाहे अध्यक्ष महोदय हो चाहे व्यवस्थापक महोदय हो कबो उनके कान से हमन के उनके मुखारविंद से कोनो प्रकार के ऐसा शब्द नहीं सुने मिलत। वो कान हमन के तरसाता सुने करती कि कुछ ऐसा योजना आज सुने मिल गए हो तो हमनों के शेयर सदस्य होती हमनों खुशी होत ये सब में। और का ढेर कही अब थोड़क आप यह आप सब मैंने विदा होती धन्यवाद। कुछ प्रबंध बा हम आप सबके सामने पेश करना चाहता है। देखा जाए 12-14 साल हो गए रिकॉर्ड देखा जाए 2 बोरा खाद हमें नहीं मिलल बा। यह समिति हो हमारा औरत दिन भर यहाँ लाइन लग के 1 बोरा डाई हमें घरे जाके चौपट पैसा यहाँ जमा दे हो गई। हम चल गए फुटबॉल साल के वो खाद जोन बार हमें घर से आपस यहाँ समिति में चल गया 1 बोरा डाई। हम फुटबॉल से फोन कैली कि जोन बार पैसा जो बार दे के भी वो समिति से हमने गायल बाकी कैसे हमें घर से खाद गई। तो समिति के कार्यकर्ता का कहा है कि बुधराम लोध जोन बार पिपरैया बात है बुधराम लोध बिजगौरी बात है तो ये आप लोग सोचल है कि वो खाद कंपनी से बुधराम लोध का नाम लिख के आई ना पिपरैया पर है बिजगौरी बुधराम के लोध के घर से खाद कैसे उठा चली आई पिपरैया पे। हमारे पैसा यहाँ जमा भाई हमारे लोग पैसा आपस हो गया खाद भी आपस हो गया वो पैसा में का कीमत है हमारे पैसा में का कमी रहा ये हम जब काम करता लोगों से पूछा चाहता ये प्रश्न हम व्यक्तिगत करूँ आगे यहाँ भी पेश कर दी और अपने समिति के तरफ से पेश कर दी कहीं ये नया भाई कहीं नाते भाई वह समय में जो हम रहें पकड़ के मर गए होती हम भी असल सतह के आदमी आली हमारा पैसा देख के आली काहे हमार पैसा जो बता गए मतलब रिटर में हमें घर से खाद उठा गए ये को अन्य हो सब मन के वह समय हम रहा होती है तो हम खारे जो खलियां ने गला ना और कस वही जवन दशा बनाऊंगा होती ना कि वही मैं पूछते हैं आप सब से दूसरा का लगभग विदा होता है भी नमस्कार धन्यवाद। हम यह बोला था मरदा में हरारू बगले बगले बाटे मन में हरारू आ पगले हो और कोई हो एक जवाब दे मन में हरारू पगले बाटे ना पगले बाटे ना लेकिन
ऐसा कौन मरदे के थोड़ा ना भी खेत रहे मेरा जोड़े ना भी खेत रहे अमर दे आवे तो तोहर कर्जवाने भी मिल पाए चार पांच लाख हर लड़के 50,000 एक लाख लड़का उनने भी काम हो ही नहीं अगर मैं हराम ना हो तो मर ना पावे मरते तो मेहरान ना आवे बात मर ना पावे मरते ना आवे मेहरान ना पावे ये कौन ने मौका ना इंतजार हो बात हाँ कौन ना इंतजार हो लेकिन हमारा तो हर पैसा हो दुनिया बैंक ऐसा सस्ता पड़ता है जन्नत सलाम मन में क्या कहती हो क्या जन्नत भी आज लगावे बस कुल हाँ कहा हो तू कहा हो और मेरे बाद में कुल बैंक से सस्ता हमने का पैसा हमने के 8% पर मिले चाहिए 8% आप थोड़ा चलते ये मैं जन्नत से सरस बाटा आधा पर आज जैसे ही सहकारी संस्था के 14वां सागर सभा के सभाध्यक्ष जी ये कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी विशेष अतिथि जी लोग 14वां सागर से आए अध्यक्ष जी लोग व्यवस्थापक जी लोग और ये सागर सभा में उपस्थित संपूर्ण शेयर सदस्य मित्र आप बोलो हम बहुत ज्यादा भी चीज उठाने जा रहे थी बोले तो मंगाएगा लेकिन ऐसा परिस्थितियां गिर के बोले पर संचालक समिति से हमारे एक सवाल बा आप लोग ये सब पढ़ लिखा परीक्षण कराओगे सिर्फ 12 दिन मिल के वो में साधारण सदस्य क्यों के कौन सा ग्रंथ आएगा वो से जो लेखा परीक्षण कराओगे वो सिर्फ वह 12 लोग के चले का अधिकार बा कि जितने हमें सारा सतवाड़ी सबके चले का अधिकार बा सबके चले का अधिकार यदि बा तो वो लेखा परीक्षण प्रत्येक सागर सदस्य के हाथ में काहे नहीं गई वो हिसाब काहे नहीं बुलाओगे पहला सवाल दूसरा का सवाल हमार सरकारी के एक के मूल मारा हुआ कि भूत भूत से सागर मामले थोड़े थोड़े बचत के लिए ढेर हुए सबके सरकारी के एक के मूल मारा हुआ हम ही कहना चाहती ये सरकारी से 3-3 करोड़ रुपया लगानी भाई बार और वह लगाने में एक के चीज के समूह देख ले बटी कि वो घर बनाए जाता है 100% कि वो जमीन खरीद जाता है 100% कि वो गरीब यदि व्यवसाय के जाता तो 100% इतने कौन मतलब ना है एक तो नियम कानून हो चाहे आप लोगों के 12 जन के प्रत्येक आयोजन समिति से जो हमारे समिति से चलो के आप लोगों ने पटली पढ़ाओगे अभी वो लोगों के एक एक काम होगा कि आप लोग जाइए हमारे ये आयोजन समिति करती कौन सी जो के कानून बना वाले और लागू करिए तीसरा का चीज हमारे क्या अध्यक्ष जी कहिए कहिए गए कि नियम कानून से सरकार के नए नियम यह लग जो सरकारी संस्था के नाम में वो कर व्यक्तिगत जगह ना रही उसके संचालन के लिए अवरोध करिए अध्यक्ष जी कहना हमारे ओकरे अंतर्गत जगह खरीद के लिए है एक को साधारण सदस्य बता दे हमें संचालक समिति को है कि कै रुपए जमीन खरीद भेजवा कौन है प्रक्रिया भेजवा क्यों एक दिन बता दे कि हमें पता हो वो सिर्फ सरकारी संस्था के ही 12 जो संचालक समिति और मैं प्रक्रिया जिम्मेदारी हो वो जगह खरीद में हमारा हमें पैसा ना लगवा या जितना साधारण सदस्य लोग बटी उनके पैसा ना लगवा उस सबके चलने का अधिकार हो हम संचालक समिति से यह सवाल कहना चाहती आप लोग जगह खरीद जोन कही गई कौन है प्रक्रिया कही गई कितना सेल गए उस सब के सामने आ गई और आज के जोन ये मूल्य जोन बा हम के साथ अगर ये जोन समाज में 14 बार मार्केट में बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य जोन सरकार कर रहे को लेवा उधर अंतर्गत आप लोग खरीद कर के नहीं कैसे सलाह ले गए कि हो सकावा या सरकारी में जब तक आप खरीद ले गए उसे कहूं पैसा खरीद हो सकता है सरकारी में आप लोग की जिम्मेदारी नहीं हो हम लोग की जिम्मेदारी हो कि सरकारी पैसा बचत कही जाए वो पैसा में जितना अधिकार आप लोगों के बारे में कहवा वो था ये जितना था इस चीज का कहो कि चीज का मिला जा रहा है तो जो उद्देश्य लेके सरकारी शुरू हुई है जो उद्देश्य लेके सरकारी का धारा आई निश्चित रूप में आप लोग कांग्रेस सक्रियता रूप से आगे आओगे लेकिन अब ही नहीं जैसा कि अवार्ड की अगर संख्या 3,000 हो 3,000 में जमा 500 रुपए बांटी अगर मतलब अभी भी सबके तक ने चेतना ना पहुंचा बा कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करी तो अभी भी चेतना के सबके बढ़ाई पड़ी कि ना कि खाली असफरी वाई चार के नाम रहे श्री कृष्ण अवलंबन हमने सब सारा मतलब प्रतिदिन बांटे सबसे यह बोल कर एक और भी चेतना के रूप
में ले जाइए कि कैसी गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट हो या सरकारी में और लोग कैसी जुड़े की आप मानिए कैसी चले। दूसरा चीज आप लोगों से अनुरोध ही करेंगे साहब, जो हमारे ये लोग जो बैंक में जाए चाहे या आप लोग जो हमारे ये बैंक से जो अगर स्वावलंबन के लोग ओके सुलभ बनाने की कोशिश करें, ओके थोड़ा सा जो ब्याज दर जो बैंक के बराबरी में लाने की कोशिश करें, अगर ओके दोनों यह तरीका सपना हो तो आप लोग जो बैंक से लेंगे संस्था से लेंगे सरकारी से लेंगे, ओकर कारण क्या हो कि जो आप ब्याज लिए जाइए वो ब्याज में भी आप पैसा हो ओकर जो आपको फीता भी तो मिली, जो ब्याज अगर 1000 रुपया आप ब्याज कर गए तो कहीं ना कहीं वहीं से 5000 रुपया आपके लिए आपके फीता भी है, लेकिन बैंक आप फीता ना चाहिए। यहाँ पे आप लोग सरकारी के माध्यम में और ज्यादा जल्द जुड़ने की कोशिश करिए और जैसे प्रभावकारी रूप से बनाओ। आप लोग आज से न्यूज देखा तो ही हमने की 100 नंबर का ही टिकट है, यही आपके फुटबॉल भरा हुआ था तमाम जो सरकारी संस्था बांटे जो पैसा लेके भाग गए संचार ने मैं पता है कहा गए थे करोड़ रुपए से नीला मिला भाई, लेकिन ई पुल संस्था कहे की हितारी बांटे ई पुल कहे कर बांटे कहे की हमें अपने गांव घर में अपने लोग बांटे, ई पुल संस्था में करोड़ को बाहर के लोग आगे नहीं संस्था चला सकते आपके पैसा यहाँ पे चलावे आप लोगों को यह कहता कि जिसे 24 एकड़ उन्नति प्रगति हो गया है आने वाला समय जो आज 580-590 सदस्य बांटे ऐसे 1000 सदस्य मिले जाएंगे, आने वाला जो संचालक समिति आप लोग आगे बनाओ जाए ओके अच्छा संचालक समिति बनाओ जाए जो संचालक समिति एक और ऊंचाई पर ले जाए यह आप लोगों के कहा आप लोगों के एक पुनः शुभकामना दे आप लोगों को निवेदन करना की धन्यवाद नमस्कार। आप सबके लिए बहुत सौभाग्य बात हो गए कि आप सबके यही कार्यक्रम के माध्यम से इस संस्था आप सबके एक वर्ष के अवधि में कितना काम कर लिए बा कौन काम कर लिए बा कितना लगानी कर लिए बा कितना असूली कर लिए बा कितना ऋण लगानी कर लिए बा कितना ब्याज प्राप्त कर लिए बा ऐसे अन्य काम समेत के आप सबके यही कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी मिला बा, यही नाते ये सब कार्यक्रम होके कि यही कार्यक्रम के माध्यम से जितना इस संस्था के गतिविधि बा इस संस्था कौन काम करता कितना प्रगति करता कितना आगे बढ़ता कितना विकास करता और संस्था में कितना परिवर्तन होता आज सबके लेखा जोखा आपके यही संस्था के माध्यम से एक पहले हमारे स्टाफ लोग संस्था के सुना के जा चुका बात है आप सब सुनने के लिए और बात रह गया सहकारी के विषय में हम आप सबके थोड़ा की जानकारी करावल चाहती देखल जाए इस सहकारी संस्था हमारे सबसे पहले 1844 में बेलायत देश से हमारे शुरुआत भय लागे थे, जब हमारे 1844 में बेलायत से शुरुआत भई तमाम देश विदेश में इस संस्था की स्थापना हो हमारे नेपाल में 2010 साल में आके हमारे नेपाल में सहकारी के स्थापना भई 2010 साल से हमारे नेपाल में सहकारी के शुरुआत भई ओकरे बाद में कले हमारे नेपाल के तमाम प्रदेश में तमाम क्षेत्र में तमाम जिला में सहकारी के विकास भई आज इस सहकारी के माध्यम से जवन आप सब सेवा सुविधा पावल जाता जवन जगह पे बैंक वित्तीय संस्था पहुँच के सेवा सुविधा ना दे पावला वह जगह पर सहकारी संस्था सेवा सुविधा दे रहा है, काहे से इस सहकारी संस्था आप सबके गांव में आप सबके समाज में आप सबके घर बा सहकारी संस्था के मूल मंत्र बा जो कि हमारे नीतियों में लिखा बा सबई को लागी एक रहिए को लागी सबई हमारे सहकारी के मूल मंत्र हो के यही नाते सहकारी के एठू पहले नारा भी रहा रखे कि बूंद बूंद से सागर भरला और बचत के लिए से धन बढ़ाला, काहे से आपको सबके पता बा कि हमर के एक एक रुपया जुटावल जाये तो हमर के एक दिन उजागर हो जाये, यही नाते सहकारी में हमर के ऐसा ऐसा योजना बा
कि फिर से योजना बा जैसे आप सब पैसा जमा कर दिया जाए 10 साल के 7 साल के 20 साल के बाद में वो पैसा निकाला जाए आपके वो पैसा 2 गुना 4 गुना 8 गुना पैसा मिली ऐसा सहकारी में व्यवस्था बा कहे से ये पैसा जो आप संस्था में जमा कर जाला ये पैसा आप सबके हो के आप जमा करिए बिहार के आपके कौन लोग समस्या पड़ी कौन लोग काम पड़ी आपके शादी ब्याह करेगा आपके घर बनवाएगा आपके जगह खरीद करेगा यानी आप कौन लोग काम कह जाए आप अपन पैसा निकाल के वो काम कैसे कर जाए और देखा लिया इस सहकारी जवान हमर के बीच में कुछ आपे सबके सियासत लोग बोल के गई लग है कुछ समस्या पर प्रस्ताव रखने वाले हम लोग आप सबके स्पष्ट करा दी कि सहकारी के देखा जाए जो हमर के ये जन मित्र बोल के गई लग है खाद की समस्या देखा जाए ये खाद की समस्या आप सब आज स्पष्ट जान लिया कि खाद के समस्या न तो ने संस्था से बा न तो गांव पालिका से बा न तो हमर के प्रदेश से बा समस्या हमर के कहां बा कि खाद के समस्या हमर के केंद्र से बा हम गांव पालिका में सहकारी प्रमुख के रूप में काम करती हमारे लगे खाद के कोटा करना और हमके सब पता बा अब आप सबके हम बता दी जब खदिया हमारे के ऊपर से कम आवता तो बतावल जा संस्था खदिया सबके कहां दे और मेरे बात रह गए ये तो प्रस्ताव आ गए थे कि हमारे घर से खाद उठा ले गए थे तो थोड़े के हमारे देखने के हिसाब से इतना मतलब गलत भैल बा अब वो कहाँ से समस्या भैल ओके हमारे के ये संस्था के अध्यक्ष जी हमारे के ओके ओके निर्णय दी है ओका जवाब दी है कहे से तो हमारे देखने के हिसाब से वो तो ना करे चाहिए कि केहू के घरे से खाद पहुंच गई तो खाद फिर आपस मंगावल जाए ठीक बा माथी वो अन्य के हो व्यक्ति के हिस्सा में रहा हुई लेकिन जे ले गए वो एक व्यक्ति है ओके वो खेत में नावे का दिन ले गए लाल के मार चला से अगर जो और के नाम में फर्क पड़े उठ ले गए ले तो अगले दाएं माथी ला के उनके हो देते हैं लेकिन ठीक बा आगामी दिन में यह किसी के समस्या ना हुई हम अपेक्षा रखा थी और साथ साथ में पूरे संचालक समिति के हम सलाह भी दिए थी कि कौन भी काम कह लिया सबके हित में कह लिया जबर काम कह लिया कि जब आप सबके अगर पूरा निष्ठा काम रहे कि गुनासों के प्रमाण पात्र ना हो और इस संस्था आप देखा जा हर संस्था के पहले के जब समिति बनता रखे वो समिति के अवधि 3 वर्ष रहता रखे लेकिन हमारे के सहकारी एन के अनुसार जब हमारे के 2074 के सहकारी एन बा ओकरे अनुसार अब हमारे के इस संस्था के संचालक समिति के अवधि 4 वर्ष हो गए बा वैसे भी इस संस्था नया विनिमय बनाए के समरी माई का उपाय का स्वीकृत करा चुका बा यही नाते वो संचालक समिति के अवधि 4 वर्ष जो रहा लेके ई 4 वर्ष के अवधि ई 8वीं वर्ष में समाप्त हो गई बा अब तुने एक पहले तमाम गणमान्य बतरुक कह चुका बा रहे कि फिर से आज इस समिति के चयन हुई तो हमारा अनुरोध बा कि आप सब एकदम सही ढंग से सके सम्मान सब चुनाव ना कराए के निष्पक्ष तरीका से मनोज के लिए जाई कोमान बहुत बड़ा आपके भलाई हुई कैसे चुनाव के लिए में क्या होगा कि एक आपस में विवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगा ये देखा जा सहकारी संस्था ऐसा लोग है कि जो आप सबके आज ही सफल लागल हुए एमान सबसे पहले आप सबके एकता की भावना उत्पन्न होगा कैसे आप सब जितना अपन अपन समय दे के आवल मिल बा ऐसा हमारे हिसाब से कि आप सब कौनो काम कह जाए कि अपना जन यहाँ पर कठिन हो पाओ जी के बाद एक दूसरे के अपन ये मां के बात रखे के मौका भी मिलेगा ये संस्था के प्रति जो का होगा आप सबके आगे विकास करेगा आगे बढ़ाएगा नया काम करेगा हर चीज के जानकारी मिलेगा और बात रह गई तमाम ये समय के तमाम के मंच में तमाम मंचासीन लोग बाटे अपन अपन मंत्र रखिए इन आते हम ढेर समय ना ले हम फिर से ये संस्था के उज्ज्वल भविष्य के कामना करत फिर से धन्यवाद दिहत हम ये कार्यक्रम के ये अपन जो दू शब्द बोले के मौका बोली हम ओकर लिए अपने तरफ से अपने गांव पर हमर के 70,000 1 लाख का मिला अच्छा रही ऊ हमू कह चाह कम से कम
एक लाख रुपया बिना धीतो के मिले जवन की के लोग के विदेश जाए कोनो काम बा उन लोग के काम हो जा जवन की ये कुछ ऐसा सोशल व्यक्ति लोग रहा जवन की वो लोग 10% ब्याज लेता है वो ब्याज लेके उन लोग के पीड़ित दे के बहुत लोग बेचारे उसी लोग ने कुछ है को मंडी में रहेगी जिसकी बंदा करा के साथ आना उन लोग के ब्याज पे ब्याज ले ले बेचारे बर्बाद हो गए विदेश कमा कमा थक गए हैं लेकिन उनके कार्य से मुक्ति ना बोले कुछ ऐसा हम के नेपाल सरकार से कुछ ब्याजी लोग के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं जवान की ब्याजी लोग के कुछ भ्रष्टाचार कम भई जरूरी नाते से और इसे कहना कि हमर के स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार से भी सहयोग मिले के चाहिए हम ईमेल से घोषणा करना चाहो जोन की हमरे वार्ड में भी सहकारी बा हम दोनों सहकारी के अपने वार्ड से कुछ योजना रुपया करो के भी देने बा कि जोन की हमर के संपूर्ण विकास के अंतर्गत सहकारी भी हमर के विकास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य हो जोन की हमर के यहाँ के लोग 10 रुपया 5 रुपया जमा करके आप 3 करोड़ तक भुगवे बाटे यहीं के जनता के देन हो गया 3 करोड़ बा वो हमर के बैंक में लोन लेवे जाए जाला वहाँ कम से कम 1 महीना दावत भगवत लग जाता ओके बाद भी लोन ना मिल पावला यह साधारण का बा कि हमर के आवत गई कैसे चिट्ठी लिख ला मान लो रुपया आवत गई हमर के 2 दिन में 3 दिन में पैसा मिल जाता और बैंक में भगवत जो थक जाए जाला तो वो पैसा ना मिल जाता ओके बाद भी हमर के असमान बा कि सहकारी सन चीज बा कि आप लोग पैसा जमा कर गए ओकर मूल्यांकन भइल जे भी जे इतना जमा कर लेला वहां का सब के सम्मान भइल और हमर के बैंक में के 2 रुपया दे दिया जा तब वो एक बिल खिलाफ चाहे पूछा गला कि आप इतना पैसा जमा के सम्मान के साथ क्या किया रहते कहे जाते से आप लोग सहकारी में जुड़ जा हर घर से एक आदमी अनिवार्य रूप से जुड़ा जा सहकारी में यह कहा अपन विश्व अंतर जी धन्यवाद नमस्कार अपने पैसा हो अपन पैसा से अपने काम चलते हैं एक नाते बहुत बढ़िया काम हो और हमन के 22-24 साल से जो देखा चली आवल गई हमन के पीछे स्वलंबन सहकारी संस्था चलत है और पूर्व में ही देखा जाला और अन्य जगह देखा जाला बहुत से लोग भी बेचारे मीटर ब्याजी पीड़ित बाटे हैं लेकिन ये हमारे चवाल में एक चीज ना इसमें मिलावा खाली हमन के स्वलंबन सहकारी के देन हो कि जो हमन के ये ऐसा के हमारे पे कि मरचवार में अब जे अपने से लेके के हो खत्म कैले हो खा पी कुड़ौले हो नहीं तो जे संबंधित जगह पे खर्चा कैले में लगौले के घर से बेघर नहीं भइल बा कि परमार लगभग लगभग हमन के मरचवार में देखे के मिलावा आप सब थोड़ा थोड़े पैसा कहके और ज्यादा से ज्यादा जोड़न जाए बूंद बूंद से जो सागर भरावा वो हमारा छके आप सब पूरा कह जाए हम ढेर और ना बोलब और यह स्वलंबन सहकारी के और यह सारा उपस्थिति में हमारे तरफ से नमस्कार बहुत धन्यवाद समूह है और चीज पर वो के पटना के जा अभी तू वास्तव में उतरा रहा था भाई का भाई लोग के बात फिर का ही लोग करता था ओके कब हमें जो पता ना कह जा हम के दायित्व बना ला कि जो हम आज तुमके पता भी कह जाए कि का है नाते चीज खराब होता है का है गलत है जो हम स्वावलंबन वास्तव में बहुत बढ़िया चीज स्वावलंबन पहले जब शुरू में रहा तो जो हम बहुत सीमित लोग रहा है सीमित लोग रहा है सीमित पैसा रहा 2 रुपया 4 रुपया जमा करता है लेकिन आज उस स्वावलंबन करोड़ों करोड़ों में खेल आता है यह नाते आप लोग हमारा भी जब सबसे अनुरोध है माधव सबसे कहिला कि जो बे आप लोग स्वावलंबन से सब लोग जुटल जाए सब लोग जुटल जाए तो स्वावलंबन हमरहन के हो उसे जो बे जो वृद्धि हो हमरहन के बीच में हो हमर के स्वावलंबन बढ़ी तो हमर के विकास हो यह नाते हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है दूसरा चीज स्वावलंबन जो हमर के आज जो साधारण सभा होता है या स्वावलंबन में भी कुछ ऐसा त्रुटि बा उस त्रुटि के हम कहा चाह कि आप लोग आप लोग अनजान व्यक्ति नहीं बाटी जौन चीज गलत कह गए आप लोग सब जानल जाते हैं ओके मायके से कहले या जो सुनले से कोनो फायदा नहीं बे ढेर समय भी नहीं लेब हम या स्वावलंबन के बहुत बहुत काम ना करत अपन दू शब्द खत्म करता दी धन्यवाद सबके नमस्कार संतुष्ट कर जाए ए टाइप जो समस्या आई ला आवे समय में जितना भी आज नया पदाधिकारी लोग हो
हम आप लोगों से यही अपेक्षा करब कि आवे वाले समय में एक नया रूप लेके आप लोग आवल जाए और ये चार नंबर के जितना भी कार्यकर्ता बाटे आप लोग संतुष्ट कर जाए, अपने तरफ से जितना योगदान हो आप लोग अपन अमूल्य योगदान दे जाए और साथ में जितना भी कार्यकर्ता यहाँ उनके बधाई भी दिया चाहब और लास्ट में अपन चंद शब्द ही खत्म कर जाब, उन्नति प्रगति का काम न करत अपन चंद शब्द ही खत्म कर जाब। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी, जय स्वावलंबन। सदर जोगिंदर मुरा सहयोग में आज अब आप लोग आवल जा आए के अरे के सभ्य भव्य तरीका से संपन्न कर जा। हम आशा और विश्वास रखते हैं जय स्वावलंबन, जय सहकारी। सचिव हरिराम और कोषाध्यक्ष नर्मदेश्वर सुंदरा आवल्य बाबा कहाँ गए आवल्य अरे हो कहाँ गए बाबा कहाँ गए बाबा जी पूरे बकवास ले चच वाला फोन लगा दे अपने मुंह में को जा तो क्या बंदे कर फरमोदार है ना है तो अलग गए थे और बोला ले सदस्य शांति को सदस्य पिंकी राव पहले तुरंत सदस्य भूला धोबी सदस्य सुनीता बराई सदस्य असरा धनगर खड़ा हो गए आप लोग कोई नहीं शपथ ग्रहण करवा देती हम जय सहकारी हम मन के गांव समाज में रहन आर्थिक मानसिक गरीबी कमजोरी विकृति जैसन तमाम प्रकार के शोषण के अंत करके गरीबी से मुक्ति खातिर स्वावलंबन सहकारी अवधारणा के सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ावल जाई प्रेरणा संगठन बचत शिप के लागू कर दीर्घकालीन संस्थागत विकास में निरंतर लागल रहल जाई। हमन के संचालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समिति के संपूर्ण यह श्री कृष्ण स्वावलंबन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के उद्देश्य पूरा करे खातिर यह संस्था के नीति नियम हमन के संचालक लेखा सुपरिवेक्षण समिति को स्वयं पालना करके अन्य संपूर्ण सदस्य लोगों के निष्पक्ष रूप में पालन करावल जाई। यह स्वावलंबन सहकारी संस्था के जुग जुग तक आगे बढ़ाने के सदा सर्वदा हमन के मन वचन कर्म से लागल रहल हई। ऐसन का संपूर्ण शेयर सदस्य के सामने ईश्वर के नाम में शपथ ग्रहण करी रात बाई।
धन्यवाद। संपूर्ण अभिनंदन। आज निर्वाचन जो भय है वो आप लोगों के द्वारा जो छठवट होके यहाँ तक पहुँचावल गए हमें पुनः एक कार्यकाल हमारी अंतिम कार्यकाल हो अब हमें भी ये संचय आप लोग के आशा विश्वास पर भी नहीं हुई अब हमें अंतिम हो रिटायरमेंट पूछ ले। लेकिन आप लोग जो आशा विश्वास के साथ हमें यहाँ आज दोबारा बैठा गए हम वादा करते हैं कि 100% हम सत्य उतरब जो भी विगत वर्ष में गलती भाई प्रतिबद्धता है। लेकिन कुछ लोग कहे कि ऐसा ऐसा भाई लेकिन भूख मारना है लेकिन आप लोग हमसे विश्वास रहिए आपके आस्था विश्वास से जीतो संपूर्ण से जीतो ये जीत के आपके काम करके हम तन मन और धन से लगल जय जय सरकार।